हाय गौरव, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कहानी क्वारंटीन की. थैंक यू सो मच टू एमटीवी फॉर बीइंग मी अ पार्ट ऑफ दिस शो. आई अच्छा, टेल मी हाउ डिफिकल्ट. एम वेरी दिव्या इज इन मुंबई. आई दिव्या, वेरी दिव्या इज इन मुंबई. आई हैव कम टू दिल्ली टू मीट माय फैमिली फॉर अ व्हाइल. ओ टेल मी ओके. हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कम अप विद अ क्रिएटिव लाइन. मतलब कितना मुश्किल था कि आपको एक टाइम कंस्ट्रेंट दिया गया, आपको एक टास्क दिया गया अबाउट बीइंग क्रिएटिव. हाउ डिफिकल्ट वाज इट? नहीं, आई थिंक इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बिकॉज इफ यू लाइक क्रिएटिविटी और अगर आप क्रिएटिविटी करना पसंद है, सो इट्स विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दिस. बट लाइक ओवर द लॉकडाउन आई थिंक आई बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे लिए काफी मुश्किल था घर पे रहना और नए नए आइडिया सोचना. एंड हमारे एंटरटेनर्स ने 7 दिन लगा लगातार उन लोगों ने अलग अलग कंटेंट बनाए हैं एंड घर बैठे बैठे बनाए हैं, खुद से एडिट किया है. सो दिस इज द शो ऑल अबाउट. आर यू एक्साइटेड टू वॉच एमटीवी एज अ क्वारंटी? Yeah, I'm so much excited because ये पहली बार है जिसमें MTV ने ऐसा कुछ तो प्रोग्राम किया है, so I was very excited. So, do you also create content by yourself? I think I'm a YouTuber, so I create content on YouTube. Then definitely from this show you will get to learn a lot of things, and I'm excited for all the content creators to learn something new from the show. Okay, I just want to ask you one question. Okay, Yeah, go ahead. as I have seen you in MTV Splitsvilla, Roadies, and Ace of Spades, so I just want to ask you that आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि those who want to come on this reality shows. Okay, my number one suggestion, and I've been saying it for the longest time, that just be yourself. सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है. अगर आप एक अलग पर्सनालिटी बनके लोगों को कुछ और पोर्ट्रे करोगे तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है. बट इफ यू जस्ट बी योरसेल्फ एंड बी द इंटरेस्टिंग पर्सन यू आर, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट सिलेक्टेड. एंड जस्ट बी इंटरेस्टिंग अबाउट सर्टन थिंग्स इन लाइफ, जो आपने किया है लाइफ में मस्ती. जस्ट बी क्लियर अबाउट इट, जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो दैट्स इट. Okay, and I just also want to ask ki aap, where are you from? I am from Delhi. Okay, so and I think Divya is from Mumbai. Yes, she is. Yeah. Okay, so जो लोग दिल्ली या मुंबई के बाहर रहते हैं, मतलब आवर स्टेट में क्या होता है ना, हमारे स्टेट में कोई ऑडिशंस नहीं होते हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं रियलिटी शोज के लिए? तो आजकल तो काफी सिंपल हो गया. थिंग्स हैव बिकम अ लॉट इजियर कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो. आजकल हाँ, बूट पे कितने सारे वीडियोस जाते हैं ऑफ कंटेस्टेंट्स हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द रियलिटी शो. अलग अलग चीजें होती है. एंड प्लस राइट नाउ दैट यू सेड यू आर अ यूट्यूबर, यू मेक कंटेंट ऑन यूट्यूब. इफ यू यस, आर ऑलरेडी एमिंग एट बिकमिंग अ पर्सनैलिटी हु इज पॉपुलर एंड एवरीथिंग, यू आर ऑलरेडी ऑन द रोड फॉर दैट बिकॉज यू आर मेकिंग योर ओन कॉन्टेंट. यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. So you're already on that journey. If you want to be a part of a reality show on MTV, then you have to just audition on Voot, because and if they like you, you can book a ticket and come here. So things have become easier ग्रेट. now. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि कैसा लग रहा है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर होस्टिंग द शो विद दिव्या ऑन एमटीवी. Yes, actually हमने दिव्या मैंने लास्ट ईयर इनसाइडर्स भी किया था फॉर रोडीज. एंड वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था. बट दिस इज स्पेशल बिकॉज आई फील घर बैठे बैठे व्हेन यू शूटिंग अ शो तो आप कैमरामैन भी खुद हो, आप एडिटर भी खुद हो. एंड एंड वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम ऑफ MTV. एंड हम लोग दिन रात कॉल पे बात करते थे कि ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, ताकि वी कैन जस्ट एंटरटेन यू ऑल एंड कम अप विद समथिंग जो आज तक शायद नहीं हुआ है. सो दैट्स व्हाई द शो इज वेरी स्पेशल टू अस, क्योंकि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी. Yeah, I'm very excited to watch this show and both of you guys, because you Thank you both so much. are my favorite. Thank you so much. All right. Thank you for tuning in. And I would like to add other people also because I have a list right here. Yeah, thank So you so much. thank you. Thank you so Bye. much. Bye.